इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में तानाशाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के, माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूँ, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए, आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का, कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूँ, मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? आपके समर्थन से बनाया था ना। 2009 में जेपी अग्रवाल जी यहां से सांसद थे, 100 में से 65% वोट लोगों ने उनको दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो सभी धर्म सभी जाति के हैं, ये उनको अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है और आपको अपमानित किया गया है। 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन 7वें पे कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको लगता है ये यमुना पार है, यमुना पार में चलता है। तो मैं यमुना पार के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है, उनके दिमाग में ये है कि ये तो यमुना पार है, यहाँ कुछ भी चलता है। तो मैं कहता हूँ कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आप उनको यहाँ से चलता कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए, ये वो वक्त आ गया है। और हम आपसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी को गालियां देकर नहीं, क्योंकि हमारी समझदारी ये है कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है। बोलिए, मुझे गाली देने से नाली बनेगा? जाम की समस्या समाप्त होगी? अस्पताल बनेगा? स्कूल बनेगी? सड़कें बनेगी? रोजगार मिलेगा? महंगाई कम होगी? गाली देने से काम नहीं होता है।